तो हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रेसिंग। ड्रेसिंग कैसे करते हैं और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ ये कंफर्म होनी चाहिए कि ड्रेसिंग करते समय हमको क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, फिर उसको कैसे ले जाते हैं। तो सबसे पहले होती ज़रूरत क्या, एक ट्रे की, जिसको हम कहते हैं ड्रेसिंग ट्रे, ठीक है। ड्रेसिंग ट्रे क्या है, तो बताया कि इट इज़ ए डिवाइस, यह एक डिवाइस है जिसका काम जो क्या है, स्टेनलेस स्टील से मिलकर बनी हुई है और इसका काम क्या है, वुंड को केयर करना। वुंड का मतलब होता है घाव, आम बोलचाल की लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, घाव। अगर घाव हुआ है तो उसको कहीं ना कहीं हमको ड्रेसिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जनरली हम ड्रेसिंग को आम बोलचाल की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, पट्टी करना, ठीक है। तो नाम तो पट्टी करना है, पर कैसे करना है वो इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं फिर ड्रेसिंग, ड्रेसिंग क्या है। तो ड्रेसिंग क्या है कि वुंड्स के ऊपर स्टराइल पैड, वुंड्स मतलब घाव, घाव के ऊपर स्टराइल पैड रख के और उसको इन्फेक्शन से बचाना। हम पट्टी इसलिए करते हैं या ड्रेसिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वहाँ जो इन्फेक्शन हुआ है उसको हम क्या करें, कम करें, कंट्रोल करें, ताकि वो घाव क्या हो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, ठीक है। तो दूसरा एक चीज़ है कि वुंड की हीलिंग को, घाव को जल्दी ठीक करना। हीलिंग मतलब होता है उसकी रिकवरी, ठीक है। पहले घाव बड़ा था, फिर धीरे धीरे वो क्या होता है, रिकवर होता है, ठीक होते चला जाता है और एक स्थिति होती है कि घाव पूरी तरह क्या होता है, ठीक हो जाता है, ठीक है। अब आप टाइप्स ऑफ द वुंड की बात करें तो टाइप्स की बात, कितने तरीके के घाव हो सकते हैं, तो एक होता है इन्फेक्टेड वुंड। इन्फेक्टेड मतलब बना हुआ है इन्फेक्शन से, ऐसा घाव जिसमें पहले से इन्फेक्शन है, ठीक है। तो उसको कैसे क्लीन करना है, तो एक लॉजिक है, एक लॉ है अपने पास ड्रेसिंग के लिए, लेस कंटामिनेशन टू हायर कंटामिनेशन। लेस कंटामिनेशन से हायर कंटामिनेशन का मतलब क्या है कि ऐसा घाव जहाँ कम गंदगी है, वहाँ से कम इन्फेक्शन है, वहाँ से ज़्यादा इन्फेक्शन की तरफ। तो कैसे चेक करना है कि जहाँ पे लेस कंटामिनेशन, घाव में जो है इन्फेक्शन कम है, उस जगह को पहले साफ करेंगे और घाव के जिस पार्ट में इन्फेक्शन ज़्यादा लग रहा है वहाँ हमको क्या करना है, बाद में करना है। क्यों, क्योंकि अगर आप जहाँ इन्फेक्शन ज़्यादा है वहाँ से घाव को साफ करना शुरू करेंगे तो जहाँ कम है वहाँ भी आप क्या करेंगे, उसको फैला सकते हैं। इसलिए जब कभी भी घाव को साफ करना है तो कैसे करना है, अगर वो इन्फेक्शन वाला बुंड है, घाव है, तो कैसे करेंगे, बाहर से अंदर की तरफ। बाहर से अंदर की तरफ मतलब कि सपोज ये गोला है, तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया, बाहर से किया और हम उसको साफ करते 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 उसके सेंटर पोर्शन तक चले जाएंगे, ठीक है। तो अगर इन्फेक्टेड बुंड है तो उसको कहाँ से क्लीन करना है अपने को, बाहर से अंदर की तरफ। फिर सर्जिकल, सर्जिकल मतलब जब सर्जरी हुई, कोई ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद क्या होता है कि चीरा लगाते हैं ऑपरेशन के दौरान, बाद में उसको पैक करना होता है। तो अगर कोई सर्जरी का घाव है तो सर्जरी का घाव कुछ इस तरीके का होता है, पहले स्किन सीधी थी, बाद में आपने क्या किया, उसको सर्जरी के दौरान खोल दिया। अब उसको अगर करना है तो इसको कैसे करेंगे, अंदर से बाहर, क्योंकि इसके अंदर इन्फेक्शन कम है, बाहर की तरफ ज़्यादा हो सकता है। तो इसको कैसे करना, पहले अंदर से क्लीन करना है और फिर उसको क्लीन करते हुए बाहर की तरफ आना है, इस तरीके से इसको कर सकते हैं। फिर थर्ड जो है लैसीरेटेड वुंड। लैसीरेटेड मतलब कि जैसे स्लिप हो जाते हैं, टू व्हीलर बाइक से लोग स्लिप हो जाते हैं, गिरते हैं और पूरी स्किन की एक लेयर निकल जाती है, लेकिन घाव ज़्यादा गहरा नहीं होता, छिल गया जिसको कहते हैं, तो लैसीरेशन हो गया। तो ऐसे घाव को क्या है, अपने को गोलाकार मैनर में उसको क्लीन करने की ज़रूरत होती है। फिर आता है पंचर्ड वुंड। पंचर्ड वुंड मतलब कि यहाँ से एक जैसे नीडल प्रिक हो गई, ठीक है। तो पंचर्ड वुंड देखने को मिलता है हमको, जैसे किसी ने गन शॉट किया, गोली चलाई, गोली चलाने में तो गोली क्या करती है, एक जगह को होल करती है और पीछे की तरफ निकल जाती है, ठीक है। तो वो पंचर्ड वुंड में आता है, उसको भी क्या करना है, अपने को बाहर से अंदर की तरफ करना है। क्यों, क्योंकि उसके जो साइड हैं, किनारे हैं, वहाँ पर क्या है, इन्फेक्शन कम है, लेकिन जैसे जैसे अंदर की तरफ जाएंगे, चूँकि गोली वहाँ से निकली है और वो जहरीली होती है, तो वहाँ इन्फेक्शन होने के चांस जो है, इन्फेक्शन होने के चांस कम होते हैं। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ द ट्रे, कितने तरीके की ट्रे हैं। तो अगर आपने देखी, वेरियस साइज के ट्रेस अवेलेबल हैं, ठीक है, छोटा, मीडियम साइज, उससे बड़ा, उससे लार्ज, उससे लार्ज, तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के ट्रे देखने को मिलते हैं। अब ट्रे हमारे पास है
फिर हमको इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं ट्रे में, ड्रेसिंग के दौरान हम किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो आइटम रिक्वायर्ड, सबसे पहले बीटाडीन सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन भी कैसा, 5-10% वाला, मतलब उसमें क्या है, बीटाडीन का जो लिक्विड है 5-10% है, बाकी का हिस्सा क्या है, वाटर से बना हुआ है, उसमें वाटर मिक्स किया गया है, दूसरी चीज़ें ऐड की गई। फिर आता है सेवलॉन, सेवलॉन भी कैसा, 5% वाला सेवलॉन, जिसमें 5% सेवलॉन है। एक और वन मोर थिंग्स कि जब भी सेवलॉन का यूज करना है, या कभी आपको स्प्रिट यूज करना पड़े, या फिर डेटाल यूज करना पड़े, उस वक्त क्या करना है, उसको डाइल्यूट करना है, पतला करना है, अदरवाइज क्या होगा, पेशेंट को प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, ठीक है, उसको दर्द होगा उस टाइम पे। फिर आता है नॉर्मल स्लाइन, नॉर्मल स्लाइन जो NS जिसको हम कहते हैं, बॉटल आती है 500 ml की, इसको रखने की ज़रूरत क्या है कि जब भी हमको लगता है कि हमको वाश करना है, धुलना है घाव को, आप NS से धुल सकते हैं, नॉर्मल पानी का उपयोग नहीं करना। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हो सकता है इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाए, या पानी में कोई इन्फेक्शन था, बैक्टीरिया था, वायरस था, तो वो क्या कर सकता है, उसको इन्फेक्टेड कर सकता है, ठीक है। इसके बाद बात करें स्प्रिट, तो स्प्रिट का उपयोग नहीं करना है, लेकिन इसको रखते इसलिए कि कभी ड्रेसिंग करते समय ही उसको इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत है, तो स्प्रिट अवेलेबल होना चाहिए। देन हाइड्रोजन पराक्साइड, तो ये ऐसे घाव जो काफ़ी समय से क्या है, गंदी पोजीशन में पड़े हुए हैं, डर्टी हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, एक फार्मर या किसान क्या करता है, अगर उसको चोट लग गई तो जल्दी डॉक्टर के पास नहीं जाता, उसके पास जो भी कपड़ा हुआ उसने उसको पैक किया और वो काम करता रहता है, तो ऐसा घाव क्या है, वुंड इन्फेक्टेड हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, हाइड्रोजन पराक्साइड डाल के उसको वाश कर देना है, जब तक उसकी गंदगी निकलेगी नहीं तब तक वो क्या होगा, कवर नहीं होगा या ठीक नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है गॉज पीस, तो गॉज पीस क्या है, वहाँ से ट्रे निकालिए, गॉज पीस क्या है, बहुत छोटे छोटे पैड्स हैं कॉटन के बने हुए, और वो क्या करते हैं कि लोगों को पैक करने का, क्लीन करने में उसका उपयोग करते हैं। फिर आता है सीजर, सीजर क्या है, कैंची, ठीक है, चूंकि आपको पूरा पैड लगाना है, कहीं कट करना है, फिर आपने कॉटन यूज किया, फिर उसके बाद आपने उस पर क्लॉथ यूज किया, तो वो सारी चीज़ों को कट करने का काम कौन करता है, सीजर करता है, ठीक है। इसके बाद आता है माइक्रोपोर टेप, तो माइक्रोपोर टेप क्या है, कुछ इस तरीके का टेप है, ठीक है, छोटा अगर घाव है तो छोटी सी कॉटन लगा के, पैड लगा के हम क्या करते हैं, उसको पैक कर देते हैं इसकी सहायता से, माइक्रोपोर टेप हो गया। फिर आता है ग्लव्स, ग्लव्स क्यों यूज करते हैं, ताकि इन्फेक्शन ना हो, ठीक है, ना हमको इन्फेक्शन हो और ना हमारे द्वारा क्या है, किसी पेशेंट के पास इन्फेक्शन पहुंचे, ठीक है। इसके बाद बैंडेड, बैंडेड क्या है, एक छोटा स्ट्रिप हो, मेडिकेटेड पट्टी आती है, और छोटे घाव में क्या करते हैं, हम उसको लगा देते हैं और वो एक दो दिन में कवर अप हो जाता है। फिर क्या है, स्टिच मटेरियल, तो स्टिच मटेरियल अगर लगता है कि आपका जो गुंड है काफ़ी गहरा है, जख्म बड़ा है, तो उस कंडीशन में उसको हम क्या करते हैं, पैक करने का काम किससे करते हैं, स्टिच मटेरियल से करते हैं। तो आइए एक बार नज़र करते हैं, तो आपने माइक्रोपोर देखा, ठीक है, कुछ इस तरीके के पैड्स अवेलेबल हैं, है ना, जो बीच में कॉटन और दोनों साइड में क्या है, दोनों साइड जो है क्लॉथ लगा के और बीच में कॉटन लगा के इसका उपयोग बनाया गया, ठीक है। ये सीजर हो गया, ये सेवलॉन, इसके साथ में ये क्या है, एथेनॉल या स्प्रिट जिसको कहते हैं, इसमें 25% क्या है, अल्कोहल है, बाकी दूसरे सब्सटेंस मिक्स हैं। हाइड्रोजन पराक्साइड, ये आपका बैंडेड, फिर ग्लव्स, और ये है स्टराइल पैड या गॉज पीस कहते हैं इसको, ठीक है। ये स्टराइल इसलिए क्योंकि इसको क्या किया गया है, पकाया गया है, ठीक है, बनाने के बाद इसको मशीन में डाल के पकाया गया है, ऑटोक्लेव किया गया है, और उसके बाद इसका फॉर्मेशन हुआ है, तो इसमें इन्फेक्शन होने के चांस नहीं है। अदरवाइज ये जो ओपन रखा हुआ है, इसमें हो सकता है कोई बैक्टीरिया हो सकता है कोई वायरस हो, तो इसका उपयोग अपने को नहीं करना, जब भी अपने को ड्रेसिंग करनी है स्टराइल पैड का उपयोग करना है, ठीक है। फिर बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स क्या है, मैंने आपको जो लॉजिक है वो हमने पहले ही बता दिया कि ड्रेसिंग करते समय ध्यान क्या रखना है, कि आपको लेस कंटामिनेशन से हायर कंटामिनेशन की तरफ जाना है, मतलब जहां घाव गंदा ज़्यादा है, इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा हैं, वहां से शुरू नहीं करना है, कहां से करना है, लेस की तरफ से, जहां कम है वहां से शुरू करके हमको हायर की तरफ जाना है। फिर एक चीज़ आती है हैंड वॉशिंग, जब भी आप किसी की ड्रेसिंग कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप
कि हैंड वॉशिंग प्रॉपर तरीके से हुई है या नहीं। अगर इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है, रोकना है, तो ध्यान क्या रखना है कि हैंड वॉशिंग प्रॉपर तरीके से हो, ठीक है। जो भी 7-8 स्टेप हैं वो प्रॉपर तरीके से फॉलो हों। अगर आपने अच्छी तरीके से हैंड वॉशिंग करी है तो आप क्या करेंगे, इन्फेक्शन को फैलने से रोक सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रिपेयर या पर्पज, जो हम कर रहे हैं क्या ड्रेसिंग, उसका पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है। कुछ तो उद्देश्य होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, तभी तो हम क्या कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं। तो पहला क्या है, प्रिवेंट इन्फेक्शन टू द बुंड, बुंड में और ज़्यादा इन्फेक्शन को फैलने से रोकने का काम कर रहे हैं। फिर चेक द ब्लीडिंग, चेक द ब्लीडिंग मतलब कि ब्लीडिंग को रोकने का, जो रक्त स्राव हो रहा है, जो ब्लीडिंग हो रही है, उसको फैलने से रोकने का काम करते हैं। फिर सपोर्ट टू द बुंड, जो घाव है उसको चारों तरफ से सपोर्ट करने का काम करते हैं, ताकि वो जल्दी से जल्दी क्या हो, रिकवर हो पाए। फिर बात करें इम्प्रूव द हीलिंग प्रोसेस। अब हीलिंग प्रोसेस मतलब वो बुंड कितना जल्दी ठीक होगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हम जिस भी बुंड का जितना अच्छा केयर कर पाएंगे वो उतना जल्दी ही क्या होगा, ठीक होने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। फिर प्रोवाइड द फिजिकल एंड मेंटल कम्फर्ट। अब जिस व्यक्ति की ड्रेसिंग आप कर रहे हैं तो ड्रेसिंग करने के बाद उसको क्या होता है, शारीरिक भी और मानसिक भी उसको आराम मिलता है, ठीक है। आपने अच्छी ड्रेसिंग कर दी, घाव साफ हो गया, तो उसको ये फील होने लगता है कि अब मैं क्या है, ठीक हो जाऊंगा। तो उसको दिमागी रूप से भी और शारीरिक रूप से भी क्या है, आराम मिलता है। तो ये थे पर्पज। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ द ड्रेसिंग, ड्रेसिंग कितने तरीके की है। तो फर्स्ट वन इज ए गॉज ड्रेसिंग, ठीक है। तो गॉज ड्रेसिंग क्या है, जितनी नॉर्मल ड्रेसिंग है, छोटे मोटे घाव होते हैं, बड़े घाव होते हैं, उनमें जो नॉर्मल ड्रेसिंग होती है गॉज पैड की सहायता से, उसको कहते हैं गॉज ड्रेसिंग। और इसमें ऑल साइज अवेलेबल हैं, छोटा बड़ा मीडियम गोलाकार, जैसा भी घाव है उसके अकॉर्डिंग आप इसको क्या कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं। देन बात करें एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग। एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग मतलब कि ऐसे घाव जो पुराने समय के, पुराना घाव है तो पुराना होगा तो डर्टी होगा, गंदा होगा, उसमें इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा होंगे। तो ऐसे घाव के लिए अपने को क्या करना है, एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग करनी है। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ एंटीसेप्टिक यूज़ करना है, लाइक ए बीटाडीन। तो आपने क्या किया, उसको पहले तो हाइड्रोजन से क्लीन किया, हाइड्रोजन से क्लीन करने के बाद बीटाडीन लिक्विड से क्लीन किया। वो एंटीमाइक्रोबियल है, एंटीमाइक्रोबियल मतलब उसके अंदर प्रॉपर्टी है, वो किसी तरह का जो है बैक्टीरिया वायरस है अगर, तो उसको किल करने का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल करने का काम करता है, उससे किया। और फाइनली क्या करना है आपको कि उसमें बीटाडीन ऑइंटमेंट लगाना है और फिर पैक कर देना है। तो इससे क्या होगा कि उसके अंदर जो इन्फेक्शन की प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाएगी, तो घाव क्या है आपका, बुंड क्या है, जल्दी से हील हो जाएगा। फिर नॉन एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग, एक ड्रेसिंग ऐसी है नॉन एंटीसेप्टिक है, फॉर फ्रेश बुंड, ताज़ा ताज़ा घाव हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सर्जरी हुई, तो सर्जरी के बाद आपने अगर गौर किया हो कि बिना कोई ट्यूब लगाए क्या करते हैं, उसको पैक कर देते हैं, एक गॉज पीस रखा और उसके ऊपर सब क्या करते हैं, उसको पैक कर देते हैं, टेपिंग कर देते हैं। तो ये क्या है, फ्रेश है, वहाँ क्या है, इन्फेक्शन होने के चांस नहीं है, क्योंकि वो पूरी ऑपरेशन थिएटर के अंदर प्रोसेस हुई है, तो उसमें चांस नहीं रहते, इसलिए उसको ड्राई छोड़ दिया जाता है, सिर्फ गॉज पीस लगा के उसके ऊपर पैकिंग कर देते हैं। तो वो नॉन एंटीसेप्टिक है, उसमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है वेट ड्रेसिंग। कुछ घाव ऐसे होते हैं जिनको हम चाहते हैं कि वो गीला रहे, सूख जाएगा तो समस्या हो जाएगी, तो ऐसे घाव को क्या करते हैं, ऐसी ड्रेसिंग करते हैं जिसमें बीच बीच में क्या है, नॉर्मल स्लाइन डालते रहते हैं, ताकि ये सूखने ना पाए, सूख जाएगा तो समस्याएँ हो जाएंगी। फिर आता है प्रेशर ड्रेसिंग। प्रेशर ड्रेसिंग ऐसी ड्रेसिंग है, जैसे सपोज एक एक्सीडेंट हुआ, सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसी ब्लीडिंग को चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको टाइट बैंडेज का उपयोग करना पड़ता है, खींच के बांधना पड़ता है, ताकि वहाँ की जो ब्लड सप्लाई है वो रुक पाए। तो उसको कहते हैं अपन क्या है, प्रेशर ड्रेसिंग। और ये क्या करती है, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने का काम करती है। फिर बात करते हैं प्रोसीजर की, कैसे करना है। तो सबसे पहले BSI ली, BSI मतलब बॉडी सब्सटेंस आइसोलेशन, वो चीज़ें जो आपकी बॉडी को पेशेंट की बॉडी से अलग करने का काम करती हैं, BSI कहलाती हैं, ग्लव्स, गाउन, मास्क और गॉगल। तो ये चार चीज़ें आपको क्या करना है, यूज करना है। फिर कलेक्ट द ट्रे, आपने सारी चीज़ें एक ट्रे के अंदर रखी, ट्रे को लिया और लेने के बाद क्या है, पेशेंट के पास पहुँचे। पेशेंट के पास पहुँचे तो उसको इन्फॉर्म किया, बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मरीज को पता होना चाहिए कि आप उसके साथ क्या कर रहे हैं। अगर वो क्या है, कॉन्सियस है, होश में है,
अगर अनकॉन्सियस है तो आपको अज्यूम कर लेना है कि मैंने उसको बता दिया। फिर क्लीन द बॉडी ब्लडी पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ गॉज, गॉज प्रेशर के सहायता से, वो गॉज पैड की सहायता से क्या करना है, जहाँ भी गुंड था, घाव था बॉडी के जिस भी पार्ट में, उसको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से क्लीन कर देना। फिर क्लीन द वुंड विद द हेल्प ऑफ बीटाडीन सॉल्यूशन। उसके बाद आप छोटा गॉज पीस लीजिए और गॉज पीस लेने के बाद क्या करेंगे कि उस पर थोड़ा सा बीटाडीन सॉल्यूशन डालिए और बीटाडीन सॉल्यूशन डालने के बाद उस जगह को जहां घाव था उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन कर दीजिए। फिर अप्लाई द बीटाडीन ऑइंटमेंट। उसके बाद बीटाडीन ऑइंटमेंट लीजिए या जिसको आप मलहम कहते हैं उसको वहां अप्लाई करिए, और अप्लाई करने के बाद क्या करना है, पैक द वुंड विद द हेल्प ऑफ बैंडेज। आपने बैंडेज लिया और बैंडेज लेने के बाद उस पूरी जगह को क्या करेंगे, पैक कर देंगे ताकि वो अपनी जगह से मूव ना हो या स्लिप ना हो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, जो BSI थी मतलब ग्लव्स, गाउन, मास्क वगैरह आपने पहना था, उसको आपको रिमूव कर देना है और फिर प्रॉपर तरीके से हैंड वॉशिंग और हैंड सैनिटाइज कर सकते हैं। अब बात करें इंडिकेशन की कि हम कब कब यूज कर सकते हैं ड्रेसिंग, कब कब किस कंडीशन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ऑल टाइप ऑफ द वुंड केयर, किसी भी तरीके का घाव है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको क्लीन कर सकते हैं, इसे पैक कर सकते हैं। फिर इफ़ ब्लीडिंग आर सीन, अगर उसको ब्लीडिंग दिखाई दे रही है कहीं से भी, बॉडी के किसी पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है, इसका मतलब हमको क्या करना है, उसको पैक करना पड़ेगा, ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। फिर आफ्टर द सर्जिकल प्रोसीजर, जब भी कोई सर्जरी करता है तो सर्जरी के दौरान क्या है, हम उसके तुरंत बाद जैसे सर्जिकल प्रोसीजर कंप्लीट होती है तो जो वहाँ पे स्टिच किए गए थे, है ना, वहाँ पे जो डैमेज किया गया था टिश्यू या स्किन, उसको क्या करना है, अपने को पैक करने की ज़रूरत है स्टिच करने के बाद, ताकि वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको ड्रेसिंग कर सकते हैं। अब बात करें साइड इफ़ेक्ट की, तो एक इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट क्या है, डोंट पैक टाइट बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन आर रिस्ट्रिक्टेड। अब क्या होता है, कई बार हम क्या खींच के बांध देते हैं, लेकिन उसको खींच के बांधने से क्या होता है कि वहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक सकता है, ब्लड की सप्लाई रुक सकती है और उसके वजह से दूसरी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। क्लियर, थैंक यू।